आम आदमी पार्टी ने एक प्रोफेशनल एजेंसी की सहायता से सर्वे कराया है दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर दिल्ली की जनता की क्या सोच है। 7 से 17 अप्रैल तक इस सर्वे में करीब करीब 31,000 लोगों से बातचीत की गई और उनकी राय जानी गई। 61% लोगों ने दिल्ली में गंदगी के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने बताया कि कूड़ा कचरा और गंदगी एमसीडी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। इन लोगों का ये मानना है कि एमसीडी के पार्षद और उच्च अधिकारी विकास के कार्य के पैसे का गबन करते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में कूड़ा कचरा साफ नहीं होता है और दिल्ली कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। 60% लोगों के अनुसार एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। जेजे क्लस्टर और अनाधिकृत कॉलोनियों में लोगों ने अरविंद केजरीवाल सरकार की बिजली पानी की योजना को सबसे अच्छी योजना बताया है। लोगों को हर माह 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की बचत बिजली पानी के बिलों में हो रही है, ये सर्वे में निकल कर आया है। और करीब 80% से भी ज़्यादा लोग बिजली के कम हुए दामों से, बिजली के जो बिल आधे हुए हैं, उससे सरकार के कार्य से संतुष्ट हैं। वहीं करीब 72% लोग पानी के बिल माफ होने की वजह से दिल्ली सरकार से संतुष्ट हैं। हालांकि साथ ही लोगों को यह डर भी सता रहा है कि कहीं अगर एमसीडी के परिणाम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विपरीत हुए तो केंद्र सरकार बिजली पानी के विभाग राज्य सरकार से लेकर नगर निगम को दे सकती है। 62% लोग ये मानते हैं कि केंद्र बिजली पानी के विभाग को एमसीडी के हवाले कर सकता है। अधिकांश लोगों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में भी अन्य महानगरों की तरह बिजली महंगी हो जाएगी। 65% लोगों को ये जानकारी है कि दिल्ली के मुकाबले मुंबई में बिजली के दाम 3 गुना है और 83% लोगों को ये जानकारी है कि दिल्ली में बिजली के दाम देश में सबसे सस्ते हैं। ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है कि 83% लोगों ने इस सर्वे में बताया कि उनके मुताबिक दिल्ली में देश के सबसे सस्ते बिजली के दाम हैं। 73% लोगों की राय है कि देश में जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें हैं वहां बिजली के दाम दिल्ली के मुकाबले 2 से 3 गुना है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए दिल्ली सरकार के काम से जनता ने अपनी खुशी जाहिर करी। 59% लोग मानते हैं कि केजरीवाल सरकार ने सरकारी अस्पतालों और सरकारी डिस्पेंसरियों को पहले के मुकाबले बेहतर कर दिया है। वहीं 18% लोग ऐसे मिले इस सर्वे के दौरान जिन्होंने या तो अपना खुद का या अपने किसी निजी का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में कराया। इन लोगों में से 87% लोग मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाओं और इलाज के स्तर से खुश हैं। 55% लोगों ने बताया कि दिल्ली सरकार की मुफ्त दवा, फ्री टेस्ट और फ्री इलाज की स्कीम से उनके हर महीने काफ़ी बचत होने लगी है और इस तरीके से दवाई और डॉक्टर के खर्चों में हुई प्रति माह बचत की राशि को लोगों ने
1,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये बताए, यानी कि कुछ लोगों ने बताया कि मेरी महीने की बचत 1,000 हो रही है, कुछ लोगों ने बताया 1,200 हो रही है, कुछ लोगों ने 7,500 रुपये तक की अपनी बचत महीने की बताई। उन्होंने कहा कि पहले अपना वो अपने परिवार वालों का इलाज वो प्राइवेट में कराते थे, वहाँ दवाइयाँ खरीदते थे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रेगुलर मेडिकेशन चलती है और इसलिए उनको लगातार बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ती थीं, और चूँकि वो सारी दवाइयाँ और वो सारे टेस्ट अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मौजूद हैं तो उनकी बचत 7,500 रुपये तक की होने लगी है महीने की। 78% लोग ये मानते हैं कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। जिन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनमें से 68% लोगों का मानना है कि उनके बच्चों को दिल्ली सरकार में अच्छी एजुकेशन मिल रही है। इस सर्वे के अनुसार एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है कि मध्यम और उच्च वर्ग का, यानी कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसने 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, अब वो एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रीफर कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह, उन्होंने आम आदमी पार्टी की हाउस टैक्स फ्री करने की योजना बताई। हाउस टैक्स के जंजाल से सबसे ज़्यादा दिल्ली में रहने वाला मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग प्रभावित है, ये सर्वे से निकल कर आया है। और लोग हाउस टैक्स देने से ज़्यादा एमसीडी द्वारा की जा रही हाउस टैक्स के बिलों में गड़बड़ियों से परेशान हैं, ये भी इस सर्वे की फाइंडिंग है। और अब ये इस वर्ग के एक बहुत बड़े हिस्से को आम आदमी पार्टी का हाउस टैक्स मुक्त दिल्ली बनाने का जो वादा है वो बेहद प्रभावित कर रहा है। जो सीटों का आकलन है वो ये है कि 272 में से 218 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है, भाजपा 39 वार्डों पे 39 सीटों पर जीत रही है। 272 में से 218 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं, बीजेपी को 39 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 8 सीटें मिल रही हैं और निर्दलीय और अन्य को 7 सीटें मिल रही हैं। कुल 31,507 लोगों की राय इस सर्वे में जानी गई, और इन लोगों की राय जानने के बाद एजेंसी ने आम आदमी पार्टी को 51.2% वोट दिया है, बीजेपी को 28.1% वोट दिया है, कांग्रेस को 9.2% वोट शेयर दिया है, और अन्य और निर्दलीय को 11.5% वोट दिया है। 2015 विधानसभा चुनाव के मुकाबले आम आदमी पार्टी का 3.1% वोट कम हो रहा है, बीजेपी का वोट शेयर भी 4.2% कम हुआ है, और कांग्रेस का वोट शेयर 2015 के चुनाव के मुकाबले 0.5% कम हुआ है। मैं फिर से बता देता हूँ, सर्वे 7 से 17 अप्रैल तक चला। पार्टी ने एक प्रोफेशनल एजेंसी की सहायता से इस सर्वे कराया, 31,507 लोगों की राय जानी गई, तमाम मुद्दों पर राय जानी गई। जो सबसे बड़े मुद्दे इस सर्वे में निकले जनता के लिए, नंबर 1, दिल्ली में फैला कूड़ा कचरा, नंबर 2, भ्रष्टाचार, नंबर 3, बिजली पानी के बिल, नंबर 4, अगर इस चुनाव में चुनाव परिणाम अरविंद केजरीवाल के विपरीत हुए तो क्या बिजली पानी के दाम बढ़ जाएंगे, नंबर 5, शिक्षा, और नंबर 6, स्वास्थ्य।
ये सबसे बड़े मुद्दे इस सर्वे में निकल कर आए हैं। जो सीटें इस सर्वे में निकल कर आई हैं वो ये हैं कि 272 में से 218 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं, 39 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, कांग्रेस को 8 सीटें मिल रही हैं, निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट एंड अदर्स को 7 सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 51.2% है इस सर्वे के अनुसार, बीजेपी का 28.1% है और कांग्रेस का 9.2 यानी कि 9.2% है। अन्य निर्दलीय को काफ़ी बड़ी मात्रा में 11.5% वोट मिल रहा है।